जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। तो दोस्तों मैं यहाँ पे गैलेक्सी M30s और A50s दोनों यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने गैलेक्सी A70s की वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर बाय नहीं कर पाया तो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने A70s को खुद बाय नहीं किया तो आपको ऐसे कुछ पता नहीं लगेगा। एक डब्बा खोल वीडियो से ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बस। तो यहाँ पे अगर हम लोग गैलेक्सी A50s और A70s के प्राइस के बीच में गैप देखें तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का गैप है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे दोनों ही फ़ोन सेम डिज़ाइन के साथ आते हैं, चाहे वो फ्रंट लुक हो, चाहे वो बैक लुक हो, चाहे वो साइड लुक हो, हर जगह से दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। बस यहाँ पे आपको A50s में 6.4 इंच की डिस्प्ले मिलती है और A70s में 6.7 इंच की डिस्प्ले। आपके सामने दोनों फ़ोन में ऐसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। और भी कुछ डिफरेंस है तो स्पेसिफिकेशन, ये रहा गैलेक्सी A50s का, ये रहा आपका A70s का। ऐसे इसको बता के हम लोग वीडियो लंबी नहीं करेंगे, काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको वीडियो में बता रहे हैं कि इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो A70s का वो फास्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट नहीं है, कुछ केसेस में कई बार A50s पहले खुल जाता है, कुछ केसेस में A70s। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो गैलेक्सी A50s में टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है स्क्रीन पे, जबकि A70s में नहीं लगा है, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि दोनों में कुछ फ़र्क है, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला आपको। तो यहाँ पर आपको गैलेक्सी A50s में एज स्क्रीन, जिसको आप स्लाइड करके अपनी एप्लीकेशंस को मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हैं, और ये डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है कि कुछ भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, साइड से आपने स्वाइप किया, आपको जिस एप्लीकेशन में जाना इंस्टेंट जा सकते हैं। तो ये आपको सुनने में लग रहा होगा कि क्या ऐसी फालतू सा फीचर है, बट डे टू डे लाइफ में कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मिसिंग फीचर है, अभी भी A70s में नहीं है ये। दूसरे फीचर की बात करें तो यहाँ पे एज लाइटनिंग का ऑप्शन मिलता है आपको A50s में, तो इसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मैसेज वगैरह आता है तो आपका फ़ोन ऑफ भी रहेगा, तो भी यहाँ पे जो यू शेप नोच बना हुआ है यहाँ पे आपका फ़ोन क्या करेगा, नोटिफिकेशन देगा आपको अलग अलग, यहाँ पे इस पर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये भी आपको A70s में नहीं मिलता देखने को। और यहाँ पे एक और फीचर है जो सबके लिए ऐसे यूजफुल नहीं है, बट हाँ आपको A50s में स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे बाकी फीचर्स की बात करें तो दोनों फ़ोन में सेम है। यहाँ पे A70s का प्राइस ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें फीचर्स ज़्यादा दे रखे हैं। इसके पीछे एक और वजह है कि अगर हम लोग यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाके देखते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, तो आपको गैलेक्सी A50s में जो वन UI मिलता है 1.5 मिलता है, जबकि आपको पुराना वर्जन मिलता है A70s में। तो मे भी आने वाले टाइम में अपडेट करके ये फीचर्स इसमें डाला जा सकता है, बट अभी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए A50s पहले आया था उसमें ये फीचर्स होना, और A70s बाद में आ रहा है उसमें ये फीचर्स ना होना, थोड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। अब बात कर लेते हैं कैमरा, जो यहाँ पे हाईलाइट है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों का डिज़ाइन सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकला हुआ हमारा A70s। रीज़न, क्योंकि उसमें 64 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ हुआ है, जबकि A50s में 48 मेगापिक्सल का सेंसर, तो इस वजह से वो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा बाहर निकला हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, बट दोनों में ये फ़र्क है देखने को। बाकी यहाँ पे कैमरे में सारे फीचर्स सेम है, लेकिन कुछ फ़र्क है यहाँ पे। जैसे आप A50s में AR Doodle का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको A70s में अभी भी नहीं मिलता, तो AR Doodle एक ये फ़र्क हो गया। और यहाँ पे बैक कैमरे में दोनों ही फ़ोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट कैमरे से आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है A50s में, A70s में नहीं मिलता। मैं फ़र्क बता रहा हूँ क्योंकि कौन रिकॉर्ड करता है नॉर्मली 4K वीडियो फ्रंट कैमरे से, तो कोई शायद नहीं करता। तो अभी टाइम है हमारे पास कैमरा कंपैरिजन का, चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ताकि बढ़िया से आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आप दोनों फ़ोन का डायनेमिक रेंज चेक कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे दोनों ही आपको अच्छी लग रही होगी, तो यहाँ पे अगर मैं आपको डिटेल चेक करा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप डिटेल देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे नो डाउट आपको A70s में थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा मिलता है। अगर आपको सेम लगा थोड़ा और डिटेल चेक करा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों की फ़ोटो में कितना फ़र्क है। और इस फोटो में आपको सेम डिटेल मिलने वाला है कि यहाँ पे आपका जो सेचुरेशन है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बैलेंस किया हुआ किसने, A70s ने। अगर आप डिटेल देखने की कोशिश करेंगे तो भी आपको A70s में यहाँ पे क्लियर ज़्यादा डिटेल दिखाई देता है। और ये हमारे पास मैक्रो शॉट, यहाँ पे मुझे A50s थोड़ा सा नेचुरल कलर देता हुआ ज़्यादा नजर आया। और यहाँ पे अगर हम लोग डिटेल की बात करें तो यहाँ पे डिटेल में दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है, दोनों यहाँ पे सिमिलर डिटेल देते हैं, बट हाँ शायद आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एज जो है यहाँ पे ज़्यादा शार्प शो कर रहा है, कौन, हमारा A70s, थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है, बट इतना ज़्यादा जूम करके कौन देखेगा फिलहाल इस कंडीशन में। और एक और सैंपल है मेरे पास, यहाँ पे मैंने 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल दोनों फ़ोन के यहाँ पे इनेबल करने के बाद देखेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल साइज़ और यहाँ पे पिक्चर साइज़ दोनों में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जाहिर सी बात है 64-48 में फ़र्क तो होगा ही। तो यहाँ मैंने देखा मैक्रो शॉट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन किसी एक को अगर यहाँ पे बताना हो कि कौन बेस्ट है, तो आप देखेंगे A70s जो है ना, थोड़ा सा जो हमारे एज वगैरह है उसको शार्प डिटेक्ट करता है, थोड़ा सा बेटर निकल जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता लेकिन मैक्रो शॉट में।
आगे हम लोग फूल पत्तियों के अलावा थोड़ी इंसानों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगला सैंपल आप देख सकते हैं, ये सैंपल आपको दोनों में, आपको शायद पहली नज़र में आपको A50s बेटर लग रहा हो, थोड़ा सा ज़्यादा गोरा करके दिखा रहा है, बट यहाँ पे डिटेल में दोनों की जमीन आसमान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे A50s में आपको मिलता है, A70s में काफ़ी ज़्यादा डिटेल देखने को मिलता है। आप स्किन पे देखने की कोशिश करेंगे तो भी यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल देखने को मिलता है A70s में। और लाइव फोकस यानी कि पोर्ट्रेट मोड में मैंने देखा है कि A70s क्या करता है, कई बार हल्का सा आर्टिफिशियल लाइट में क्या करता है, कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता है यहाँ पे, तो ये फ़र्क देखने को मिला दोनों में, तो जिसकी वजह से A50s की फ़ोटो यहाँ पे देखने में ज़्यादा बेटर लग जाती है, किसमें, लाइव फोकस मोड में। और ऐसा नहीं, मैंने एक दो फोटोज़ और क्लिक करके देखा था तो ये रिजल्ट देखने को मिला कि जहाँ आर्टिफिशियल लाइट होती है थोड़ा सा कलर को डार्क कर देता है, तो आप चाहें तो उसको बैलेंस कर सकते हैं जब फोटो क्लिक करते हैं हम लोग, लेकिन नॉर्मली तो ऐसे दिखेगा। और अगली सेल्फी फोटो की बात कर लेते हैं, तो ये फोटो देख के आप जज मत करना, क्योंकि मुझे दो दिन से बुखार है यहाँ पे, तो यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत खराब हो गई थी तो बिना नहाया गया था, बट यहाँ पे कैमरा डिटेल देखना ज़्यादा जरूरी है, फोटो को ध्यान मत देना यहाँ पर। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों के कैमरा डिटेल में अगर हम लोग सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये पोर्ट्रेट मोड है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप डिटेल देखेंगे, वैसे कुछ खास फ़र्क नहीं है यहाँ पे, बट अगर हम लोग डिटेल देखने की कोशिश ही कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको A50s स्लाइटली सा बेटर लग सकता है डिटेल के मामले में, तो ये फ़र्क है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर बताऊँ तो यहाँ पे सेल्फी कैमरे में ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन बैक कैमरा में आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर शो करता है रिजल्ट हमारा कौन, यहाँ पे A70s काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट शो करता है, चाहे वो डायनेमिक रेंज हो चाहे वो डिटेल हो, वो सारी डिटेल आपको ज़्यादा देखने मिलेगी। यहाँ कैमरा लैग नहीं हो रहा, जो आप सैंपल देख रहे हैं ये यहाँ पे प्लेयर में प्ले हो रहा है, सही से नहीं हो पा रहा है जो भी है, तो यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ तो 10,000 रुपये ज़्यादा देने के बाद आपको कैमरा इंप्रूव मिलेगा A70s का, इसके अलावा कुछ नया नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको सिर्फ कैमरे पे ध्यान देना है या फिर बड़ी डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए तो आप जा सकते हैं, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑफर आने वाले हैं तो उसमें अगर आपको गैलेक्सी S9 S9 प्लस मिल जाता है अच्छे बजट में तो आपको उसके साथ चले जाना चाहिए, ये मेरी पर्सनल सलाह है भाई टू भाई वाला। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको कौन सा फोन पसंद आया, कैसा लगा A70s के प्राइस के बारे में क्या कहना है। बस इतना था वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।